जिला कठुआ से कल शाम के एक वीडियो जो है बड़ी तेजी से पब्लिक डोमेन में यानी सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो रहा है, जहां पर यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कठुआ के व्यापारी तबके से जुड़े हुए कुछ लोग जो है अपनी मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और कुछ लोग इसमें से सोशल वर्कर, राजनीतिक पार्टियों के नेता भी बताए जा रहे हैं। और ये लोग यहाँ पर किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। बेशक इन लोगों की अपनी निजी जिंदगी हो सकती है, लेकिन ऐसे पब्लिक डोमेन में इस तरह के वीडियोस वायरल होना क्या सभ्य समाज के लिए ये बात सही है? और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये लोग समाज के ठेकेदार भी बनते हैं, सामाजिक मुद्दों पर आए दिन अपना बयान भी देते हैं और मुद्दे भी उठाते हैं। क्या ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतों में विलुप्त देखे जा रहे हैं, क्या इनको समाज की बात करने का कोई हक है? इन दृश्यों को देखकर तो ऐसा लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं, यानी ये लोग पर्दे के पीछे कुछ और हैं और पर्दे के सामने शरीफ बनने का ढोंग करते हैं। सामाजिक मुद्दों पर आए दिन ये लोग जो चेहरे आपको दिख रहे हैं उस पर बात करते हैं, नारी शक्ति पर बात करते हैं, पर ये दृश्य जो आप अपने कैमरा स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे, इनको देखने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि यह नारी शक्ति है? यह नारी शक्ति की लोग बात करेंगे जो इन दृश्यों पे जो है वो गलत हरकतें करते दिख रहे हैं? अब जनता ये वीडियो देखकर यह तय करे कि क्या इस तरह की पार्टीज जो है वो सभ्य समाज में होनी चाहिए या नहीं। जो भी पोस्टर आपको इस वीडियो में पीछे लगा हुआ दिख रहा है कि कैसे एक कंपनी अपने सभी डीलर्स को जो है उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, पर क्यों इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं जो कि समाज से छुपकर की जा रही हैं, समाज को दिखाकर नहीं की जा रही? क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिसने ये पार्टी अपने डीलर्स के लिए अरेंज की और महिलाओं को इस तरह से वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1।